भारतीय सिनेमा 100 साल से ज्यादा का हो चुका है। इन सालों में इंडस्ट्री में कई बदलाव हुए, कुछ बदलाव बहुत सार्थक रहे। इन्हीं बदलावों के तर्ज पर आज फिल्म इंडस्ट्री फल फूल रही है और खूब रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। आइए जानते हैं वो एक डायलॉग जिसने बॉक्स ऑफिस का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस का पैमाना क्या है? इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, क्योंकि इसके कई सारे मापदंड हैं। लेकिन अगर एक यूनिवर्सल पैमाना लेकर चला जाए तो बॉक्स ऑफिस के आधार पर भी ये तय किया जा सकता है कि कौन सी फिल्म कितनी सक्सेसफुल रही। लेकिन साउथ के बस एक डायलॉग से इस पैमाने का स्टैंडर्ड हाई हो गया, और ऐसा हाई हुआ कि साल 2023 में इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। जब बॉलीवुड में फिल्मों ने 100 करोड़ कमाना शुरू किया तो ये एक बहुत बड़ा मापदंड माना गया था। दोस्तों, आमिर खान की गजनी, सलमान खान की दबंग और शाहरुख खान की रावण ने 100 करोड़ की कमाई पूरी की और सभी को चौंका दिया। समय बीता, एक दशक तक 100 करोड़ की कमाई करना फिल्मों की सफलता का बड़ा पैमाना रहा। लेकिन इसके बाद चीजें पहले की तरह नहीं रही, और इन सब के पीछे सिर्फ एक डायलॉग है। साउथ के इस एक डायलॉग ने फिल्म इंडस्ट्री की कमाई का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। अगर इस डायलॉग की बात करें तो ये एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसने शुरुआत में तो सभी को खूब बेकरार किया, लेकिन जब इसका जवाब सामने आया तो इसका साक्षी बनने की होड़ लग गई। थिएटर्स में जैसे मानो उत्सव शुरू हो गया, लोगों का भारी हुजूम सिनेमा घरों की ओर दौड़ने लग गया। ये सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस एक सवाल ने बॉक्स ऑफिस का पैमाना और ऊंचा कर दिया। बात 10 साल के अंदर 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद तो जो हुआ उससे दुनिया वाकिफ है ही। जब SS राजमौली की फिल्म बाहुबली आई थी तो फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया था। पहली बार किसी साउथ फिल्म ने इतने बड़े स्तर पर हिंदी पट्टी की ऑडियंस की उत्सुकता को बढ़ाया था। फिल्म ने अच्छी कमाई की और इसका लाइफटाइम कलेक्शन 650 करोड़ का रहा था। ये फिल्म 2015 में आई थी। फिल्म के आने के 2 साल बाद बाहुबली 2 आई। इन 2 साल के दरमियान देश की जनता के मुंह में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और जब इसका जवाब आया तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान साबित हुआ। फिल्म के पहले पार्ट ने तो अच्छा कलेक्शन किया ही था और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। इसके अलावा दूसरे पार्ट ने तो और भी धमाकेदार कमाई की, ऐसी कमाई की लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। और बस यही वो समय था जब इस एक डायलॉग ने बॉक्स ऑफिस का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। फिल्म के दूसरे पार्ट ने भारत में 1030 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरी तरफ फिल्म ने दुनिया भर में 1788 करोड़ का कलेक्शन किया। जब दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने आज से 1.5 दशक पहले 200 रन वनडे में बनाए थे तो उस दौरान किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है या बार बार होगा। लेकिन सचिन के बाद अब तक करीब 10 बार 200 से ज्यादा रन एक पारी में बनाए जा चुके हैं। तो जैसा कमाल सचिन ने वनडे में दिखाया था वैसा ही कुछ बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली फिल्म ने किया, और एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बनते चले गए। जो बुनियाद बाहुबली 2 ने रखी थी उसी तर्ज पर आज साउथ और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बगिया खिल रही है और खूब महक भी रही है। साल 2023 को ही ले लीजिए, इस साल 5 फिल्में ऐसी रही जिन्होंने हिंदी भाषा में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया और 2023 को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। बाहुबली 2 के बाद यश की KGF चैप्टर 2 ने 1215 करोड़, RRR ने 1230 करोड़, जवान ने 1160 करोड़, पठान ने 1055 करोड़, गदर 2 ने 686 करोड़, एनिमल ने 888 करोड़ और 2.0 ने 745 करोड़ की कमाई की। ये आंकड़े ही बताते हैं कि आज फिल्मों की सक्सेस मापने का स्टैंडर्ड कितना हाई हो चुका है, बस सिर्फ एक उस डायलॉग की वजह से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।